अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ग्रिफिन। ये हमारे पास पंखे हैं, ये हम देखेंगे किस तरह चलते हैं और किस तरह इनको इंस्टॉल करना है। इसके लिए लास्ट टाइम मैंने वीडियो में शेयर किया था कि लेआउट क्या होता है शेड का और कंस्ट्रक्शन में क्या आता है और उसको कैसे इंस्टॉल करना, उनके फार्मूले क्या है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले वेंटिलेशन में फ्रंट फैन आ जाते हैं, साइड फैन, पैड और वेंट्स। ये एक शेड में कैसे इंस्टॉल करने, कितने इंस्टॉल करने हैं और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले है वॉल्यूम। हमें फ्रंट फैन इंस्टॉल करने के लिए वॉल्यूम की जरूरत होती है। तो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम 400 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा, इतना आ जाएगा 1800 क्यूबिक फीट। और एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये सारे सबको पता है, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि हमने अब एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से फ्रेम, फ्रंट फैन, साइड फैन, पैड और वेंट इंस्टॉल करने हैं, तो इसलिए इधर इसको रिकॉल कर रहा हूँ। 400 मल्टीप्लाई बाय 50 ये हमारा एरिया आ जाएगा, ये 20,000 फीट स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो कितनी है हाइट हमारे पास 9 है। और सपोज है ये कि हमारे पास 9 फीट हाइट है और 50 फीट इसकी विड्थ है और 450 फीट स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया के बाद हम कैलकुलेट करेंगे फ्रंट फैन, हमें कितने फ्रंट फैन चाहिए एक शेड को चलाने के लिए, अच्छी वेंटिलेशन करने के लिए कितने हमें इसकी रिक्वायर है। तो उसके मेरे पास हैं तीन फार्मूलों के जरिए हम फ्रंट फैन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सबसे पहले और सिंपल है फार्मूला है, वो है वॉल्यूम ओवर फैन कैपेसिटी। हमारे पास कौन से फैन लगाने हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। हमारे पास वॉल्यूम आया था और हमारी कैपेसिटी, जो एक फैन की कैपेसिटी है वो 25,000 है। 25,000 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो 7.2, अबाउट 8 फैन हमें चाहिए एक शेड के ऊपर, जिसकी वेट यानी कि इसका जिसका एरिया हो हमारे पास 400 बाय 50, उसके लिए हमें 8 पंखे लगाने होंगे। और हमारे पास एयर वेलोसिटी, अब हमने एयर वेलोसिटी कितनी रखनी है, इतने लंबे शेड में एयर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इस हिसाब से हम फैन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एयर वेलोसिटी, टोटल फ्रंट फैन जितने फैन हमने लगाए हैं, सपोज हमने 8 लगाए हैं, और फैन कैपेसिटी उनकी कितनी कैपेसिटी, 25,000 चलो हमने कैपेसिटी उनकी रखी हुई है, ये मतलब कि 25,000 वाले हमने लगाने हैं। ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, 8 फैन लगाए हैं, 25,000 कैपेसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमसे निकाल लिया है, तो इसकी हमें कितनी चाहिए, 444 फीट पर मिनट के हिसाब से हमें एयर वेलोसिटी चाहिए। अब रिक्वायर्ड CFM, हमें इसमें CFM कितनी रिक्वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर डिजायर वेलोसिटी एयर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास है आ जाएगी इतनी, हमारे पास CFM आगे जो हमें रिक्वायर्ड है। आगे है रिक्वायर्ड फैन, हमने वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें एयर वेलोसिटी और रिक्वायर्ड CFM के जरिए हम इस फैन कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये है हमें रिक्वायर्ड CFM इतनी थी और फैन कैपेसिटी इतनी थी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास रिक्वायर्ड फैन आ गए 9 फैन, मतलब कि 9 पंखे हम लगाएंगे, 9 पंखे इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद आ जाता है, ये इसकी समरी है कि पहले से हमारे कितने आ गए हैं 8, दूसरे से 9, तीसरे से 14। इसे ये जो लास्ट वाला है ये अभी मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। हमारे पास मैक्सिमम जितना वेट होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 CFM से, 5 CFM से, ताकि हमें पता चल सके कि जब ये मैक्सिमम वेट गेन करेगा
तो इसकी कितना वेट होगा और उसको कितनी CFM चाहिए होगी। जब हमें CFM का पता चल जाएगा तो फिर हम उसको उसकी जो फैन कैपेसिटी है उसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने फैन हमें रिक्वायर है, इतने फैन हमने चाहिए अपने बर्ड को हेल्दी रखने के लिए, उसको एक्टिव रखने के लिए, अच्छी ग्रोथ लेने के लिए हमें इतने फैन चाहिए। तो इन सब की एवरेज लेंगे और हम इंस्टॉल कर देंगे। आगे साइड फैन, साइड फैन की कैपेसिटी होती है 9000 CFM, 9000 CFM इसकी कैपेसिटी होती है। इसे वेरिएबल स्पीड फैन भी कहते हैं और वहां हमने मल्टीप्लाई किया था 6 CFM पर केजी के हिसाब से हमने जो फ्रंट फैन है वो कैलकुलेट किए। क्यों? समर में हमें जो CFM चाहिए रिक्वायर होती है वो ज्यादा होती है, 5 CFM चाहिए होती है, लेकिन इसमें जो सर्दियों में हमें क्या चाहिए होता है, विंटर में हमें साइड फैन 0.58 चाहिए होता है मिनिमम एयर वेलोसिटी फॉर वन बर्ड। अब साइड फैन कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट फार्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया उसी हिसाब से, लेकिन बस इसमें CFM चेंज कर देंगे और फैन कैपेसिटी चेंज कर देंगे तो आ जाएगा। फॉर सपोज हमारे पास 2.2 kg उसका मैक्सिमम होता है, ब्रॉयलर में अगर बात की जाए 35 दिन पे, तो 2.2 kg को हम 30,000 बर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66,000 हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा, उसको हम 0.58 से मल्टीप्लाई करके फैन कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4.25 आ जाएगा, मतलब कि हम 9 पंखे उसको रिक्वायर होंगे चलने के लिए, मतलब CFM निकालने के लिए हमें इतने पंखे चाहिए।